बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नेक्स्ट जो स्लाइड है ये भी बहुत सिंपल सी स्लाइड है। दिस इज़ अ फाइब्रोएडिनोमा और टिपिकल सी स्लाइड है, किसी के साथ जो है ना मिक्स भी नहीं होती है। अब इसमें जो है ना दो कंपोनेंट्स हैं, एक इसमें एपिथेलियल या ग्लैंडुलर पोर्शन है और दूसरा इसमें स्ट्रोमल पोर्शन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो इसका पोर्शन है ये वाला, ये इसका एपिथेलियल पोर्शन है। सिमिलरली ये जो आपको बड़ा सा नज़र आ रहा है ये भी, और बाकी का जितना सारा ये सारा इसका स्ट्रोमा है। अभी जो एपिथेलियल लेयर है इसको हम दो में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे दो सेल लेयर्स होती हैं, उसको हम कहते हैं इनर एपिथेलियल एंड आउटर माइओ एपिथेलियल। और ये जो स्ट्रोमा है ना इसको भी हम दो में डिवाइड करते हैं इसकी ग्रोथ पैटर्न के हिसाब से, इधर इट इज़ पेरिकनेलिकुलर और इंट्राकनेलिकुलर। तो अगर तो ये स्ट्रोमा जो है इन डक्ट्स के बाहर बाहर ग्रो करेगा तो उसको हम कहेंगे पेरिकनेलिकुलर स्ट्रोमा, और अगर ये स्ट्रोमल टिश्यू जो है इन्वेड कर जाएगा डक्ट के अंदर दैट वुड बी कॉल्ड एज द इंट्राकनेलिकुलर स्ट्रोमा। दैट्स इट फॉर द फाइब्रोएडिनोमा।